वो कहते हैं ना, रिश्ता जोड़ना आसान है मगर उसे तोड़ना मुश्किल। हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगी। चलिए आज हम ट्रेलर रिव्यू करते हैं तू झूठी मैं मक्कर मूवी का। झूठा किसको बोला है बे तूने? अरे नाना, मैंने आपको झूठा नहीं कहा। अभी तो तूने बोला ना झूठा। अरे अरे, वो तो एक मूवी का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है जिसका नाम है तू झूठी मैं मक्कर। अरे तो क्या हुआ? अरे मैं उसका रिव्यू बना रहा हूँ इसीलिए। अरे तू क्यों बनाएगा? मैं बनाएगा। अरे मगर चैनल मेरा है तो मैं ही बनाऊंगा ना। अरे तेरा होगा मगर अभी मैं आया ना तो मैं ही बनाएगा। बोला ना मैं मतलब मैं। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं ट्रेलर रिव्यू तू झूठी और मैं मक्कर का। एक तरफ शुरुआत में दिखाया है अपने मक्कर को जो अपने दोस्त को सलाह देता है कि झूठ बोलो मगर पकड़ना नहीं चाहिए, फिर और झूठ बोलो, फिर सच बोलो, फिर झूठ पे झूठ बोलो, फिर सच बोलो, झूठ की चादर बिछाओ, सच बोलो, झूठ बोलो, पकड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, झूठ सच पता नहीं क्या कर रहा है। फिर बोलता है कि आखिर में तो लड़की को पता चलने ही वाला है। बड़ा ही बवंडर किस्म का मक्कर है। और दूसरी ओर अपनी झूठी, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते, लड़का बोलता है हाय, लड़की बोलती है हाय, फिर बोलता है हाय, लड़की बोलती है हाय, फिर उन दोनों के बीच में हो जाता है हाय हाय हाय, समझ रहे हो ना क्या हो जाता है। बस उसके बाद आगे दूसरा सीन दिखाया है बीच वाला, जब लड़का अपने आप को समझता है मैं भी दोस्ताना के जैसा जॉन अब्राहम का येलो शॉर्ट्स पहनेगा, लड़कियां तो पूरी फ्लैट हो जाएगी मेरे पे, ऐसा सोच के वो जाता है मगर वो भूल जाता है कि जॉन अब्राहम बॉडी बिल्डर है और वो खुद एक सिंगल पसली है, तो छोटा शॉर्ट नहीं पहनने का रे बाबा, बड़ा शॉर्ट पहनने का, अगर छोटा पहना तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। और जब लड़का लड़की एक दूसरे के सामने बीच में मिलते हैं तो लड़का बोलता है तुम्हें प्यार चाहिए या टाइम पास, तो लड़की बोलती है टाइम पास के लिए लड़का भी ढंग का मिलना चाहिए ना, मगर उसे क्या पता जो हीरो है ना वो कितना बड़ा गॉडफादर है टाइम पास में, पता नहीं तेरे को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या, कैसा कैसा नाम जुड़ा हुआ है ये लड़के के साथ। अभी ज्यादा नहीं बोल सकता, पर्सनल हो जाएगा, अगर बुरा लगे तो सॉरी। मुद्दे पे आते और इन दोनों के बीच में फिर वार्तालाप होती है, फिर ये दोनों जाते हैं और अपना लड़का लव रंजन के मूवी की माफिक जैसे कार्तिक आर्यन हर मूवी में करता था नॉन स्टॉप टॉकिंग वैसा ट्राई करता है मगर टोटली फेल हो जाता है। अरे हर कोई शहजादा नहीं बन जाता रे बाबा, हर कोई अपने जमाने का सुपरस्टार नहीं बन जाता। मेहनत चाहिए, जीरो से ऊपर आना है, स्टार किड होने से कुछ नहीं होगा रे बाबा, मेहनत करो, खुद के दम पे आ गया हो। चलो वापस मुद्दे पे आते हैं, फिर लड़का लड़की दोनों जाते हैं गाड़ी पे, बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं मगर बीच में पेट्रोल खत्म हो गया, और अगर सुनसान जगह पे एक होटल मिला जिसमें सिर्फ एक ही रूम हुआ तो क्या करेगा। लड़का बोलता है मैं जमीन पे नहीं सोएगा, कुछ भी हो जाएगा मैं जमीन पे नहीं सोएगा, तो लड़की बोलते टेंशन नहीं लेने का, दोनों साथ में एक ही रूम पे रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, दारू वारू पियेंगे, मगर मैं तेरा फायदा नहीं उठाऊंगी, मैं हूँ ना। अरे अरे अरे, मैं हूं ना तो शाहरुख खान है, तू कैसे मैं हूं ना बन गई रे बाबा। और आगे हम देखते हैं कि लड़का तो पूरा पागल हो गया है, एकदम बवंडर हो गया है लड़की के प्यार में, मगर वो क्या जानता है कि लड़की तो झूठी है। जब लड़की घुसती है इसके प्यार में फिर लड़की सोचती है मेरे को तो ब्रेकअप करना है, बाहर निकलना है, इससे तो निकलना है, मगर लड़का तो आवरा बावरा पावरा पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मगर लड़की जिस तरह से ब्रेकअप करती है और जिस तरह लड़की की वाट लगाती है ना, वो देख के पब्लिक को आपको मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसी मजा की वजह से प्यार का पंचनामा सीरीज हिट हुई थी, और पता है ना सोनू के टिट्टू की स्वीटी वो भी हिट हुई थी। लव रंजन के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि लड़का लड़की दोनों के बीच में प्यार कराओ, फिर लड़की को थोड़ा मॉन्स्टर दिखाओ अंदर से और बाहर से नहीं, फिर लड़के को बजाओ, लड़के की जब वाट लगती है ना वो देख के जो मजा आता है, सुकून आता है ना, वही मजा लव रंजन अपनी हर मूवी में देना चाहता है, ऐसा ही लव रंजन इस मूवी में भी कर रहा है। क्या गजब का शूटिंग लोकेशन है, सबसे बेहतरीन है, मगर वो सब ब्रेकअप वाला सीन, कॉमेडी वाला सीन, लड़के की वाट लगने वाला सीन, वो देखने में जो मजा आएगा ना, पूरा पैसा वसूल होगा। अरे नाना अभी जाओ ना, मुझे रिव्यू करने दो,
अरे रुक ना, अभी पॉजिटिव नेगेटिव बाकी है मेरे भाई। अरे क्या पॉजिटिव नेगेटिव, मैं बताता हूँ ना। अरे रुक, नहीं मैं बताएगा ना। नेगेटिव मुझे कुछ लगा नहीं इस ट्रेलर के अंदर, मगर पॉजिटिव तो बहुत है। जैसे कि इसका गाना है, अरिजीत का आवाज है, प्रीतम का म्यूजिक है, लड़का लड़की की एक्टिंग है, और सबसे मेन चीज अगर देखने जाओ तो जब लड़का होता है ना उसकी वाट लगती है ना, और वाट लड़की लगाती है, वो देख के जो मजा आता है ना भाई, मजा आ गया। ये मूवी तो पक्का हिट होगी, मेरी ऐसी दिल से दुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, भर दीजिए कमेंट सेक्शन। और यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करो ना भाई, बहुत मेहनत लगती है ये सब वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।